आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल को विशेष तौर पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको ऑफिस के एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज के लैंग्वेजेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस और अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जैसे टैली, इन सब्जेक्ट्स की जानकारी दी जाएगी। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे शेयर करिए। आप लाइक बटन पर क्लिक करके इसे लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने पे बेल आता है, उस बेल पे आप जरूर क्लिक करिए, जिससे कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज का जो क्लास है वो सी प्रोग्रामिंग के ही संबंध में होगा। आज का क्लास हमारा जो होगा ये पार्ट 17 होगा। इसमें हम लोग डबल डायमेंशन एरे के बारे में जानकारी लेंगे। डबल डायमेंशन एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्स या ओ लेवल, ए लेवल के कोर्सेज करते हैं तो उसमें इनके संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि टू डायमेंशन एरे या 2D एरे होता क्या है। जब आप एरे में एरेज को बनाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग 2D बोलते हैं, और 2D एरे को स्पेशली सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस को तैयार करने के लिए बनाया जाता है। मैट्रिसेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम को। इसका जो सिंटेक्स होता है डिक्लेयर करने का, आपको कोई डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, ऐसे एक डेटा टाइप सुटेबल देना होता है। वेरिएबल का नाम देना होता है, चूंकि इसमें रो और कॉलम भी चलते हैं इसलिए इसके साथ दो साइज आपको बड़े ब्रैकेट में देना होता है। पहला वाला जो साइज होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला जो साइज होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो एग्जाम्पल है डिक्लेरेशन का, आपने ऐसे देखा इंट मैंने लिखा है, एक्स लिखा है ब्रेकेट में 3, फिर ब्रेकेट में मैंने 3 लिखा है। इस डिक्लेरेशन का मतलब ये हो रहा है कि मैं एक्स नाम का एक डबल डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको 3 रो और 3 कॉलम मिलेंगे। चलिए अब हम लोग टर्बो सी में चलते हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग कुछ प्रोग्राम बना के देखते हैं और जानने का काम करते हैं कि ये डबल डायमेंशन एरे को आखिर किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम आपके लिए बना रखे हैं। चलिए पहला प्रोग्राम मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इस प्रोग्राम का लक्ष्य ये है कि आपको ये सिखाया जाए कि डबल डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसमें हम लोग वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं, और एक बार जब डबल डायमेंशन एरे हमने तैयार कर लिया तो उसके एलिमेंट्स को अगर हम विजिट करते हैं, यूज में लाते हैं किसी क्रिया में, जैसे प्रिंट करना या और भी बहुत सारे जॉब होते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग ट्रेवर्स बोलते हैं। तो कैसे ये काम किया आता है उस चीज़ को मैं प्रोग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एक्स नाम का डबल डायमेंशन एरे लिया है। डबल डायमेंशन ये इसलिए हो गया क्योंकि इसके साथ मैंने दो साइज यूज किया है। इसकी एक साइज 3 है, दूसरी 3 है। इसका मतलब एक्स के लिए आपको 3 रो और 3 कॉलम मिलेंगे। आप जब भी डबल डायमेंशन एरे के ऊपर कोई भी प्रोसेस करेंगे, क्रिया करेंगे, तो आपको नेस्टेड लूप का सहारा लेना होगा। पहला वाला जो लूप होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में 0 से इंडेक्स होता था, ऐसे डबल डायमेंशन में भी इंडेक्स हमारा 0 से बनता है, इसलिए लूप आपको 0 से 1 कम चलाना होगा। तो मैंने यहाँ आई को 0 से चलाते हुए लेस देन 3 तक ले गया हूँ, यानी 2 तक जाएगा, और हर आई के लिए जे का जो लूप होगा वो 0 से चलता हुआ 2 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पहला लूप है आउटर, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इनर लूप होगा वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। प्रत्येक आई के लिए जे को 0 से लेके 2 तक चलना होगा। यहाँ मैं स्कैन एफ के माध्यम से एक्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराने का काम कर रहा हूँ। तो जो आपका आई का वैल्यू होगा प्रारंभ में वो 0 होगा, और जे की वैल्यू भी 0 होगी। जो पहला वैल्यू इनपुट आप करोगे वो एक्स के 0 रो 0 कॉलम में जाएगा। आपका आई का वैल्यू अभी 0 ही रहेगा चूंकि ये आउटर लूप है, पहले इनर लूप कंप्लीट होगा। तो जे की वैल्यू बढ़ के आपका 1 होगा। तो जो अगला वैल्यू आप इनपुट करोगे वो 0 रो के 1 वाले कॉलम में जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू जो आप इनपुट करोगे वो 0 रो के दूसरे वाले कॉलम में जाएगा, और जब आपके 3 वैल्यू इनपुट हो जाएंगे तो ये रो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आउटर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू एक बढ़ेगी, इसका मतलब 1 होगा, और फिर 1 के लिए वो 0 से लेके 2 तक लूप चलाएगा। तो जो अगले 3 वैल्यू आप भरोगे वो 1 के लिए जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे 9 टाइम
कोई इंटीजर वैल्यू देना होगा जो आपके मैट्रिक्स में स्टोर होगा। तो जब भी डबल डायमेंशन एरे में वैल्यू इनपुट कराने की बात होगी तो ये नेस्टेड लूप चला के ऐसे आपको स्कैन एफ करना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू मैंने इनपुट किया है वो हमें स्क्रीन पे मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे फिर से नेस्टेड लूप चलाया है एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डबल डायमेंशन एरे में कोई भी प्रोसेस आप करोगे उसके प्रत्येक एलिमेंट को अगर विजिट करना होगा तो आपको इस प्रकार से नेस्टेड लूप चलाना ही होगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट एफ के माध्यम से एक्स के वैल्यू को प्रिंट करने का काम कर रहा हूँ, तो आई और जे की वैल्यू जीरो होगी तो ये पहले एक्स जीरो रो जीरो कॉलम को प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू जीरो ही रहेगी, जे की वैल्यू वन होगी, तो जो दूसरी वैल्यू होगी जीरो रो के दूसरे कॉलम में यानी वन कॉलम में वो प्रिंट करेगा। इस तरीके से एक रो की वैल्यू जब प्रिंट हो जाएगी तो वो एक लाइन चेंज कर देगा जिससे नए रो में आपका दूसरे वाले रो की वैल्यू प्रिंट हो, तो आपको लगेगा स्क्रीन पे कि ये मैट्रिक्स का एक रूप बना रहा है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो रन करने पे ये हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स के जीरो रो जीरो कॉलम की वैल्यू दीजिए, कोई भी वैल्यू मैंने दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है एक्स के जीरो रो के पहले कॉलम की वैल्यू दीजिए, फिर पूछ रहा है जीरो रो के दूसरे कॉलम की वैल्यू दीजिए, तो ये एक रो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है वन रो का मतलब दूसरा रो, चूंकि एलिमेंट जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो आप दूसरे वाले रो में जो वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू देंगे। अब आपसे वो तीसरे वाले रो की वैल्यू पूछेगा वो दे दीजिए, तो जो वैल्यू है आपने इनपुट करे थे वो वैल्यू है आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ प्रिंट होके दिख रहे हैं। अगर मैंने प्रिंट एफ में इनर लूप के ख़त्म होने के बाद बैकस्लैश एन नहीं लगाया होता तो ये नौ वैल्यू आपको एक ही लाइन में दिख जाते, तो लगता कि ये मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, इसलिए वहाँ पर हमें बैकस्लैश एन लगाना ही पड़ा। और यहाँ पे जब मैं स्कैन एफ कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने एक्स के साथ परसेंटेज डी लगाया है दो बार और आई जे वैल्यू को प्रिंट किया है। ये इसेंशियल नहीं है, पर मैं चाहता था कि जब हमसे वो स्क्रीन पे वैल्यू इनपुट करे तो मुझे वो रो और कॉलम की वैल्यू भी दिखाता रहे, इसलिए मैंने यहाँ आई जे की वैल्यू को प्रिंट किया है। आप चाहें तो इतना हटा के केवल इंटर वैल्यू ही हेडिंग रख सकते हैं, पर इससे आपको स्क्रीन पे ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि आप किस रो किस कॉलम की वैल्यू को दे रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम हो आता है जिसमें मैं डबल डायमेंशन एरे में वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ और उसको प्रिंट करके फिर देख रहा हूँ। चलिए एक प्रोग्राम मैंने आपके लिए और बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आप डबल डायमेंशन एरे में वैल्यू को इनपुट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वैल्यू को हम असाइन करते समय ही बता दें, डिक्लेयर करते समय ही बता दें, तो उस क्रिया को इनिशियलाइजेशन बोला आता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको स्कैन एफ नहीं करना होगा नेस्टेड लूप चला के। तो चूंकि हमें डबल डायमेंशन एरे पे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाने होते हैं तो वैल्यू को इनपुट करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना होता है, इसलिए आप कोड को लिखने से बच सकते हैं अगर आप यहीं पे ही उसको इनिशियलाइज कर दीजिए। तो यहाँ मैंने एक्स नाम का एरे लिया है, थ्री रो थ्री कॉलम है, फिर एक ब्रेस खुला है, फिर उसके अंदर फिर एक ब्रेस खुला है, ये पैरेंट ब्रेस था। इस ब्रेस के अंदर जो पहले वाले रो की तीन वैल्यू है वो मैंने बताई है, फिर कामा करके दूसरे रो की वैल्यू बताई है, कामा करके फिर तीसरे रो की बताई है, फिर हमारा जो पैरेंट ब्रेस था वो मैंने बंद कर दिया है। तो ये जो तीन रो तीन कॉलम की वैल्यू है वो हमारे एक्स नाम के मैट्रिक्स में असाइन हो जाएगी। अब चूंकि हमें इन वैल्यूओं को प्रिंट करना होगा नेस्टेड लूप चला के, इसलिए मैंने आई और जे दो लूप को चलाने के लिए वेरिएबल लिए हैं। यहाँ पर नेस्टेड लूप चलाने के बाद मैंने प्रिंट एफ जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था उस तरीके से मैं इनको एक्स और आई जे को प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करके रन करेंगे तो ये आपसे वैल्यू नहीं मांग रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने स्कैन एफ का प्रयोग ना करके इनिशियलाइजेशन यानी वैल्यूओं को डबल डायमेंशन एरे के डिक्लेरेशन के टाइम ही बता दिया है, इसलिए सीधे ये वैल्यू आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो अगर आपका प्लान है कि नहीं हम वैल्यू इनपुट करेंगे, तो जो पहला वाला प्रोग्राम था उसमें जो स्कैन एफ दो नेस्टेड लूप चला के कराया गया था उसे आपको कराना होगा। और अगर आप वैल्यू इनपुट नहीं करना चाहते हैं, प्रोग्राम में ही वो वैल्यू बताना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इनिशियलाइजेशन का काम कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा प्रोग्राम जो था ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए था कि आप डबल डायमेंशन एरे में वैल्यूओं को असाइन कैसे करते हैं। एक प्रोग्राम मैंने और बना रखा है। इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बना के दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो डबल डायमेंशन एरे होता है इसमें हम लोग कुछ अर्थमेटिक जॉब भी करते हैं, जैसे टू मैट्रिसेस का एडिशन करना, टू मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना,
टू मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करना। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा आता है। तो आपके सामने फिलहाल मैं दो एरे को ऐड करना चाहता हूँ। एरे का जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगा तो मस्ट है कि उनके रो और कॉलम की साइज सेम होनी चाहिए, क्योंकि एडिशन का जो रूल होता है उसमें सेम पोजीशन की वैल्यू निकलती है दोनों एरे से और ऐड होके तीसरे में आती है। तो यहाँ पे मैंने तीन डबल डायमेंशन एरे लिए हैं, तीनों के साइज मैंने सेम रखे हैं। यहाँ मैंने एक्स वाले की वैल्यू बता दी है, यहाँ पे मैंने वाई की वैल्यू बता दी है। तो यहाँ हम इनपुट नहीं कराना चाहते थे, इसीलिए इनिशियलाइजेशन करके मैंने ये काम कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक्स और वाई की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, तो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आप हटा दीजिए। और पहले वाले प्रोग्राम में ऐसे नेस्टेड लूप चला के वैल्यू को स्कैन एफ कराया गया था। इस तरीके से आप पहले नेस्टेड लूप चला के एक्स की वैल्यू इनपुट कराएंगे, फिर नेस्टेड लूप चला के आप वाई की वैल्यू को इनपुट कराएंगे। फिलहाल यहाँ इनिशियलाइजेशन है इसलिए इनपुट का काम नहीं है। जेड में मैं इसका एडिशन पाना चाहता हूँ, तो चूंकि प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू एक्स और वाई की निकलेगी और ऐड होके जेड वाले एलिमेंट में जाएगी सेम पोजीशन पे, इसलिए मैंने यहाँ नेस्टेड लूप चलाया है। और नेस्टेड लूप चलाने पे ये सम का फार्मूला है, इस सम वाले फार्मूले को यहाँ मैंने लिखा है। तो होगा क्या, आई और जे की वैल्यू जीरो होगी, तो ये जेड जीरो रो जीरो कॉलम की वैल्यू में एक्स के जीरो रो जीरो कॉलम को प्लस करेगा वाई के जीरो रो जीरो कॉलम को और वो जेड में असाइन कर देगा। इस तरीके से जे आपके कॉलम की वैल्यू को चेंज करता रहेगा। जब आपके तीनों कॉलम की वैल्यू निकल के पहले रो के सारे जुड़ जाएंगे, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी और फिर वो दूसरे रो के तीन वैल्यू को कॉलम का निकालेगा, उनको ऐड करेगा और फिर इस तरीके से आपका एडिशन का जॉब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पहले एक्स में जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज किया था वो मुझे प्रिंट करके दिखाए, फिर इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे वाई का जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखाए और फिर मुझे मेरा रिजल्ट यानी जेड को शो करे। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाया गया है, इसलिए चूंकि एरे डबल अगर है तो उसके वैल्यूओं को पाने के लिए हमें डबल लूप लगाना ही होगा। देखिए यहाँ पहला जो फॉर लूप दो लगा है ये एडिशन के लिए है और जो बाकी के तीन नेस्टेड लूप लगाए गए हैं वो एक्स वाई जेड के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लगाए गए हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करूँगा तो पहले वो आपके एक्स वाले डबल डायमेंशन के वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, फिर वाई का प्रिंट कर रहा है, फिर अगर आप देख रहे होंगे तो जेड में जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो रहा है। तो 1 1 जुड़ के 2 आया, 2 2 जुड़ के 4 आया, 3 3 जुड़ के 6 आया। ऐसे चूंकि फिलहाल वैल्यू 1 2 3 है इसलिए रिजल्ट्स आपको सेम जैसा दिख रहा है। आप जैसा वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे उस तरीके से आपको रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपके एग्जाम में प्रोग्राम आता है कि आप टू मैट्रिक्स को ऐड करिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्कैन एफ वाला कोड लिखें, आप ऐसे सीधे इनको इनिशियलाइज कोई भी इंटीजर वैल्यू देके कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करें, आप सीधे चाहें तो दो लूप लगा के जेड को ही प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपके रिजल्ट्स को केवल दर्शाया जाए। ये जो दो लूप लगा है ये अनिवार्य नहीं है, ये मैंने इसलिए लगाया है कि आप जब प्रोग्राम रन करो तो आप जान पाओ कि हमारे दो मैट्रिक्स के वैल्यू क्या थे। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्शन पाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन का रूल भी बहुत साधारण होता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा दीजिए। और रूल वही है कि सेम पोजीशन की वैल्यू निकलेगी, सेम पोजीशन से घटके सेम पोजीशन के जेड पे जाएगी। तो अब मैं अगर प्रोग्राम चलाऊंगा तो मेरा रिजल्ट्स अगर आप देख रहे होंगे तो 0 0 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 1 घटा 0, 2 2 घटा 0, 3 3 घटा 0, इसलिए सब यहाँ 0 आ रहा है। अगर मैंने वैल्यू कुछ और दिया होता तो उस आधार पर वैल्यू आती। जैसे मान लेते हैं यहाँ मैंने 1 जो लिखा था इसको मैं 10 कर दूँ और 10 के बाद यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 9 आएगा। यहाँ मैंने 20 कर दिया है, 20 से 2 घटेगा 18 आएगा। यहाँ मैंने 30 कर दिया है, 30 से घटेगा तो 27 आएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो देख रहे होंगे सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ रहा है, बाकी नीचे इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि नीचे वाले में एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो एकदम सेम है, इसलिए घट के 0 आता है। मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम बनाने को प्रैक्टिस करिएगा। मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोग्राम होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ऐसा रूल नहीं होता है कि सेम रो की वैल्यू सेम कॉलम से घटेगी या जुड़ेगी, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप उसको बनाने के लिए ट्राई करिएगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं हम बना पा रहे हैं तो उस स्थिति में मैं आपको गाइड करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ डबल डायमेंशन एरे पे।
तो आप कोशिश करिएगा इनको बनाने के लिए। जैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट में बहुत साधारण है, मैंने आपको दिखाई दिया था। दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करने के लिए काम करेंगे। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपके मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि जो रो की वैल्यू होगी वो कॉलम में आ जाएगी, तो अपोजिट साइड हो जाए, तो उसे हम उस क्रिया को हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। और ऐसे ही एक चौथा प्रोग्राम है कि कोई मैट्रिक्स है उसको जांचना है कि वो स्पार्स मैट्रिक्स है। स्पार्स मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें जीरो वैल्यू, जीरो एलिमेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने चार रो चार कॉलम लिए हैं, चार चौक 16, 16 वैल्यू होती है, 16 को 2 से डिवाइड करिए 8 आता है, तो जो आपका मैट्रिक्स होगा उसमें अगर 8 से ज़्यादा जीरो है तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको केवल एक डबल डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करना होगा, उसकी वैल्यू आप इनिशियलाइज करिए या उसकी वैल्यू को आप स्कैन एफ से इनपुट करिए, फिर आप नेस्टेड लूप चला के ये जांचिए कि हमारे इनपुट किए गए या इनिशियलाइज किए गए मैट्रिक्स में जीरो कितने हैं उनको काउंट करिए, और फिर आप एक इफ का कंडीशन लगाइए कि जो जीरो आ रहा है वो हमारे मैट्रिक्स में जो उसका टोटल एलिमेंट है उसके आधे से अगर जीरो ज़्यादा है तो आप बोलोगे कि वो हमारा स्पार्स मैट्रिक्स होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज आपको डबल डायमेंशन एरे के बारे में बताया। आप इन प्रोग्राम को कंपाइल करिए, देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत उत्साह मिलती है, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो में कोई कमेंट्स नहीं आते हैं, तो जब आप वीडियो को समाप्त कर लें, देख लें पूरा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर लिखें। आप अगर कोई कमेंट लिखते हैं तो उस कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूँगा, अगर आपका अच्छा कमेंट है तो उसको भी मैं लाइक करूँगा। तो जो लाइक होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही मेहनत के परिश्रम का काम करते हैं। तो इस तरीके से आज का क्लास समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो मैं कल और लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।